डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसको लेकर ये मान्यता है कि यहाँ नर्क का द्वार है, यानी जो इसके अंदर जाने की हिम्मत करेगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। मान्यता है कि कई साल पहले तक ये जगह रहस्यमय बनी हुई थी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ आने वाली मौत यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से हो रही है। इसीलिए यहाँ लगातार हो रही मौतों की वजह से लोग इस मंदिर के दरवाजे को नरक का द्वार कहा करते हैं। बता दें कि ग्रीक रोमन काल में लोग मौत के डर की वजह से यहाँ जाने से डरते थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यहां हो रही तथाकथित रहस्यमय मौतों की गुत्थी को सुलझाते हुए दावा किया कि मंदिर के नीचे से लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसकर बाहर निकल रही है, जिसके संपर्क में आते ही इंसानों और पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार मंदिर के नीचे बनी गुफा में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई गई है। यहाँ आमतौर पर मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड ही किसी भी इंसान को महज 30 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला सकती है, तो वहीं यहाँ गुफा के अंदर इस जहरीली गैस की मात्रा 91% है। शोध में लिखा गया है कि आश्चर्यजनक तरीके से निकलने वाली गैस की वजह से ही यहाँ आने वाले कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी मारे जाते हैं। फिलहाल तो इस जगह को लेकर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि डरावनी और खतरनाक कही जाने वाली ये जगह पूरी तरह से भाप से भरी है, और यही वजह है कि काफी धुंधली और घनी हो रही इस जगह से जमीन भी बामुश्किल ही दिखाई देती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।